नमस्ते स्टूडेंट, मैं भी सपाता विजुअल इफेक्ट कंप्यूटर डिजाइन के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूँ स्टूडेंट। आज हम फिर एक नई टॉपिक लेके आए हैं। ये टॉपिक अकाउंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हर व्यापारी जब परचेज बिल मेंटेन करता है और मेंटेन करते समय कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो परचेज करते समय गुड्स में गिरते हैं। जैसे आपने कोई सामान परचेज किया, कोई साड़ी मंगाया, कोई भी सामान जो आप गुड्स की यानी सेल के उद्देश्य से आपने परचेज किया है, तो परचेज करते समय जो एडिशनल एक्सपेंसेस होते हैं, चाहे वो लेबर चार्ज हो या वेजेस हो, ट्रॉली एक्सपेंसेस हो, ट्रांसपोर्टिंग एक्सपेंसेस हो, कुछ भी एक्सपेंसेस हो, वो एक्सपेंसेस आपके परचेज बिल में कैसे मेंटेन करना है और उसकी वैल्यू यानी गुड्स के साथ कैसे ऐड करना है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज का यूज टैली में करने का सही तरीका क्या होता है। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज। ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज क्या होता है? तो दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू नाउ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एनी स्टॉक आइटम। द एक्चुअल कॉस्ट मींस वैल्यू ऑफ गुड्स प्लस ऑल दोज एक्सपेंसेस विच इंक्रीज एट द टाइम ऑफ परचेज। तो चलिए स्टूडेंट इसका डेफिनेशन हिंदी में जाने। इस विकल्प का उपयोग किसी स्टॉक आइटम की वास्तविक लागत जानने के लिए किया जाता है। वास्तविक लागत का अर्थ है माल का मूल्य प्लस वो सभी खर्च जो खरीद के समय बढ़ जाते हैं, जिसे हम एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज कहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट इसका यूज टैली में कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने, यहाँ पे हमें टैली में जाना है F2 फंक्शन यानी इन्वेंट्री फीचर्स में। वहाँ पे आपको चूज करना है परचेज मैनेजमेंट का पहला पार्ट जिसका नाम है ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज। वहाँ पे आपको छोटा सा एग्जांपल एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एंड गुड्स परचेज फ्रॉम खन्ना इलेक्ट्रॉनिक फॉर फॉलोइंग आइटम। यानी खन्ना इलेक्ट्रॉनिक से आपने सैमसंग मोबाइल मॉडल नंबर C100 वन पीस लिया है जिसकी वैल्यू है 5,400 रुपये, और जिसमें एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज यानी एडिशनल जो खर्च है वो वेजेस के रूप में लग रहा है 500 रुपये। तो टोटल कॉस्ट ऑफ वैल्यू क्या होगी टैली में इसकी। चलिए बिल कैसे बनाते हैं टैली में। तो सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट टैली में आते हैं। टैली में एक नई कंपनी हम लोग क्रिएट करेंगे और कंपनी का नाम भी मैंने वही रखा है यानी ट्रैक एडिशनल यानी एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज, एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज। ये खाता स्टूडेंट नई कंपनी में उसी नाम से बना रहा हूँ। बाकी सारा काम आपको जानते हैं कैसे फिलअप करना है, आप इसको फिलअप कर लीजिएगा और सेव करा लीजिएगा। सेव कराने के बाद स्केप करिएगा स्टूडेंट। स्केप करने के बाद हम F11 में आएंगे और F11 में इन्वेंट्री फीचर्स में आ जाते हैं। इन्वेंट्री फीचर्स में हम सीधे आप इंटर करते हुए अब राइट साइड यानी नीचे यहाँ पे आपको मिल जाएगा परचेज मैनेजमेंट। उसमें आपको मिलना है ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज। फंक्शन को आपको अभी अभी नो नहीं, अभी कोई अभी इसका इस्तेमाल नहीं करना है, फिलहाल अभी हम इसको सेव कर लेते हैं। और पहले एक लेज़र बना लेते हैं, हमें किससे खरीदना है, किसको बेचना है स्टूडेंट। तो हमें खरीदना किससे है, खन्ना इलेक्ट्रॉनिक से माल खरीदना है। तो एक खन्ना इलेक्ट्रॉनिक का लेज़र बना लेते हैं। खन्ना इलेक्ट्रॉनिक का एक लेज़र स्टूडेंट आपके सामने बन रहा है और ये माल खरीद रहे हैं तो सैनिक रेटर्स में चला जाएगा और सेव करा लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, इनसे क्या हो रहा है बिजनेस हमारा, परचेज का बिजनेस हो रहा है। तो परचेज का एक खाता बनाएंगे और परचेज हेड में इसको डाल दीजिएगा। परचेज का वैल्यू परचेज में डालना है, इन्वेंट्री वैल्यू इफेक्टेड आपका एडजस्ट रखिएगा, बताइए आपको क्यों एडजस्ट करना है इसको। और दूसरा एक वेजेस का लेजर बना लीजिएगा, जो मजदूरी आपका लेबर चार्ज लगेगा। वेजेस एक्सपेंसेस का लेजर आप बना लेते हैं, जो हमारा परचेज में परचेज करते समय जो कॉस्टिंग गिर रहा है, लाने का भाड़ा जिसको आप कहते हैं, तो ये हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस के रूप में होता है, इसको डायरेक्ट एक्सपेंस में जाकर सेव करा देंगे। इसके बाद आप स्केप करते हुए बाहर आ जाएंगे और एक इन्वेंट्री वाउचर बना लेंगे। इन्वेंट्री हमें क्या खरीदना है, जैसे क्वेश्चन आपके सामने स्टूडेंट है, सैमसंग मोबाइल मॉडल नंबर क्या है, स्टॉक बना लेते हैं आइटम यानी सैमसंग मोबाइल मॉडल नंबर एंड C100 मॉडल नंबर है, इंटर पीसीएस में लेना है, वन पीस लेना है यानी पीसेस डाल देते हैं और सेव करा देते हैं स्टूडेंट। ये स्टॉक आपका बन गया। वापस आप बाहर आइएगा स्टूडेंट, स्केप से आइएगा और अकाउंटिंग वाउचर में आप चले जाइएगा।
वहां पे आप किसे खरीदना है, खन्ना इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदना है, खन्ना इलेक्ट्रॉनिक्स को चूज कर लिया आपने। एंड क्या खरीदना है, हमें सैमसंग मोबाइल लेना है, सैमसंग मोबाइल ले लिया। कितना पीस लेना है, हमारी एक पीस है। यहाँ पे रेट ऑफ वैल्यू देखिए स्टूडेंट क्या है, वन पीस, वन पीस का रेट कितना है, 5,400। यहाँ पे वन पीस डाल दिया 5,400 रुपये। ओके स्टूडेंट, और यहाँ पे परचेज करना है, परचेज इंटर, एक लेबर चार्ज लगेगा। यहाँ पे लेबर चार्ज मैंने डाल दिया हुआ है, लेबर चार्ज कितना है, 500 रुपये। और 500 रुपये करके आपने सेव करा लिया। सेव कराने के बाद आप इसकी कॉस्टिंग देखना चाहते हैं, क्या कॉस्ट जुड़ा, तो सीधे आप बाहर आ जाएंगे। और हम चाहते हैं कि हमारे जो रेट है, आइटम है, उस पर ये जो लेबर चार्ज है, कॉस्टिंग उसमें जुड़ के बताएं। तो ऐसा चेक करने के लिए आप इस डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में आपको मिलेगा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, सॉरी स्टेटमेंट, ये इन्वेंट्री बुक। इन्वेंट्री बुक में स्टॉक आइटम पर इंटर करेगा और स्टॉक आइटम में जो मॉडल नंबर है उस पर इंटर करेगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो रेट आप ध्यान से देखिएगा, ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कितना दिख रहा है, 5,400। यानी जो 500 रुपये भाड़ा है वो इसमें प्लस नहीं हुआ, यानी जो रेट है वही दिखाई दे रहा है। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट, वापस हम बाहर आ जाते हैं, यानी टैली पे चले जाते हैं फिर से, और टैली पे आके F11 करते हैं। अब F11 में F2 यानी जो आपको बताया गया है, वहाँ पे आप ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज को यस करिएगा, यहाँ पे सेव करा दीजिएगा। सेव कराने के बाद स्टूडेंट यानी बाहर आ जाइएगा और वापस अपने इस बिल को ओपन कर लीजिएगा, जो बिल आपने बनाया है। इस बिल की वैल्यू, यानी जो बिल आपने बनाया है, वह यहाँ पे ये जो कॉस्टिंग, इसको हटा देते हैं, ठीक है। और इसको जो बिल बना हुआ है स्टूडेंट, इसको विदाउट इनवाइस जब यस यूज करेंगे तभी वो आपका एडिशनल कॉस्ट का फंक्शन खुलता है। तो ऐसा करने के लिए पहले हम इसको सेव करा के वापस इस बिल को ओपन करते हैं, यानी कॉस्टिंग हटा दिया मैंने इसमें, यानी जो 500 रुपये था। अब इसको इनवाइस, यानी इसको विदाउट इनवाइस देखने के लिए कंट्रोल वी का इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल वी करेंगे तो विदाउट इनवाइस आ जाएगा, और विदाउट इनवाइस पे इंटर करते हुए आप नीचे बढ़ते जाएंगे। कंट्रोल वी ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, और ये जैसे आप परचेज वैल्यू पे आइटम पे आते हैं, यहाँ पे सीधे इसके इंटर करते ही आपकी कॉस्टिंग रेट खुल जाती है। यानी यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये आ गया एडिशनल कॉस्ट। ये जब आपका इन्वाइस बंद रहेगा तभी ऑप्शन खुलेगा। और मुझे क्या इन्वाइस जोड़ना है, ये यानी ये वेजेस कितना है, 500 रुपये एक्सपेंसेस है, इंटर करिएगा। अब देखिए स्टूडेंट, इसकी जो वैल्यू है ये 5,900 रुपये दिख रहा है। अब इसको हम यहाँ पे बैक स्पेस से आके यहाँ पे 5,900 हम फिल कर लेते हैं, टोटल डेबिट कार्ड बराबर कर लेते हैं 5,900, और इसको सेव करा लेते हैं स्टूडेंट। सेव कराने के बाद आप वापस, अगर आप इनवॉइस को देखना चाहते हैं कंट्रोल बी से फिर वापस खोल लेंगे, तो वही जैसे एंट्री पहले की है उसी तरह एंट्री ये दिखाएगा। लेकिन जो ऑप्शन जो खुला है इनवॉइस, वो इनवॉइस बंद करने के बाद ही खुलता है, जो एडिशनल कॉस्ट का ऑप्शन खुला है। अब इसकी वैल्यू चेक करना चाहते हैं, चेक करने के लिए डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे, और वहाँ पे स्टॉक, सॉरी ये इन्वेंट्री बुक में, वहाँ पे आपको स्टॉक आइटम मिलेगा, इंटर करेगा। अभी स्टूडेंट देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू यहाँ पे सेम आइटम दिख रहा है, 5,400 रुपया, अभी भी ये कॉस्टिंग आपका नहीं जोड़ा। तो ऐसा कभी आपके साथ हो तो ऐसा आप करने के लिए क्या करेगा, धीमे धीमे आप इंटर करते हुए वापस चलिएगा और वेजेस पे जाके आप रुक जाइएगा। यहाँ पे जो वेजेस बनाए हैं, यानी इस वेजेस पे जाकर रुक जाइएगा, इस वेजेस पे जाकर कंट्रोल इंटर दबाना है। ध्यान से सुनेगा स्टूडेंट, कंट्रोल इंटर। तो कंट्रोल इंटर जैसे आप प्रेस करेंगे, ये आपका वाउचर खुल जाएगा। फिर इंटर करते हुए वापस आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे वापस फिर एक बार कंट्रोल इंटर का यूज करना है। ध्यान से सुनेगा, वापस आपको डार्ट एक्सपेंसेस पे कंट्रोल इंटर को वापस एक बार प्रेस करना है। इंटर करेगा और ये इसका प्रोफाइल खुल जाएगा। फिर इंटर करते हुए नीचे आएगा, यहाँ पे आपको स्टूडेंट मिलेगा लिस्ट ऑफ एलोकेशन मेथड, यानी किस मेथड से इसको यूज करना है। तो यहाँ पे हम पहला मेथड लेंगे, अप्रूवेट, अप्रूवेट बाय क्वांटिटी, यानी जो भी वैल्यू आएगा, जो भी आइटम आएगा उसकी कॉस्टिंग जोड़ के बताएगा टैली, यानी इसको जोड़ देगा क्वांटिटी के साथ जोड़ देगा, और उसको सेव करा लीजिएगा स्टूडेंट। सेव कराने के बाद वापस आप बिल को सेव कर लीजिएगा, अब फिर आप जाके देखिएगा स्टूडेंट, अब आपको जो कॉस्टिंग रेट है यहाँ दिख रहा है ना, 5,000 रुपये, यानी 5,900, यानी ये 500 रुपये कॉस्टिंग को जोड़ के बता रहा है। तो यही होता है स्टूडेंट एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज का यूज, अपने आइटम पर कॉस्ट को सही से लगाने का टैली में सही तरीका होता है स्टूडेंट। आशा स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज बिल कैसे मेंटेन करना चाहिए और इसका मेंटेन करने का सही तरीका क्या है। तो हर वीडियोस हर व्यक्ति के लिए जो अकाउंट फेयर में काम करना चाहता है, जो अकाउंट मेंटेन करता है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों दोस्तों को शेयर कीजिए और अगला वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए नमस्कार।